हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लोग सभी जान रहे हैं कि अभी एनटीपीसी के पेपर में कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दोस्तों पीसी कल्चर क्या होता है, सेरी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, आप लोगों का दोस्तों एनाटोमी क्या होता है ना, आप कार्डियोलॉजी क्या होता है, न्यूरोलॉजी क्या होता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सभी आप लोग कनेक्ट हो जाइए और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सभी के जिनके भी अभी अपकमिंग शिफ्ट में ये पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं फ्रेंड्स, रोज़ दोपहर 1 बजे आप लोग सभी जानते हो साइंस के 1000 MCQs हम लोग कर रहे हैं। मतलब साइंस के 1000 MCQs जो टोटल है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर सब इंक्लूड कर रहे हैं। डेली 1 PM पे होती है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेज में, तो लेना मिस ना करें। यहां पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की आज रैंक क्या आई है, 2000 आई है, 10000 आई है, 6000 आई है। तो आप लोग देखा करो, बहुत मजा आता है। टेस्ट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो यहां पर आपको कैसे पहुंचना है इस पे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर मेरा नाम सर्च करें, मुझे आप लोग फॉलो करें। स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सभी क्लासेज दिख जाएगी। आप लोग गोल सेलेक्ट कर लिया अपना SSC एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोग मिल जाएगी। तो जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, अगर आप लोग एक नए यूज़र हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज 11 डाल के आप लोग अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम, यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। यहाँ पर सभी टीचर्स की सभी स्पेशल क्लासेज आप लोग देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके चलिए, तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एनाटोमी क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, सारी ब्रांचेस हम लोग पढ़ेंगे। बहुत छोटा ही वीडियो होगा जिसमें सभी ब्रांचेस के बारे में आप लोगों को पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एनाटोमी क्या होता है। तो ये आप लोग जानते हो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की जो स्टडी होता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एनाटोमी कहलाता है। तो एनाटोमी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्रांच है एक बायोलॉजी की जो किसके साथ में डील करती है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ में, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी ही क्या कहलाती है, आपकी एनाटॉमी कहलाती है। चले आगे चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हम लोग ब्रांच की बात करते हैं एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कृषि। अब बहुत जने सोचेंगे सर एग्रीकल्चर तो आप लोग का बहुत सिंपल है, ये क्यों बता रहे हो? तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो होता है आप लोगों के उपयोगी पौधों की खेती, मतलब जो यूजफुल प्लांट है उसका कल्टिवेशन आप लोगों का क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। ऐसे नहीं कुछ भी हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी भी चीज़ की क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, समझ लो, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं। तो जो आपका यूजफुल प्लांट होगा उसकी ही खेती क्या कहलाती है, आप लोगों का एग्रीकल्चर कहलाती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आप लोगों का एग्रोनॉमी। अब ये एग्रोनॉमी क्या होता है, तो अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों किसी फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन, उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, तो इसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, आपकी एग्रोनॉमी कहलाती है, ध्यान आप लोग रखें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइकोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकोलॉजी क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों ये फंगस है ना, यानी कवक का अध्ययन ही क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है ना। तो अगर आप लोगों से पूछे माइकोलॉजी क्या है, तो फंगाई या फिर फंगस, या हिंदी में आप लोग कवक बोल सकते हो, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब पानी बहुत टाइम तक रहता है तो उसमें दोस्तों ग्रीन ग्रीन कलर की से कुछ काई जम जाती है, जिसको हम लोग देसी भाषा में काई बोलते हैं ना। तो ये आप लोग के जो ग्रीन कलर के प्लांट्स आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये क्या होता है, आपके एल्गी होता है। ये क्या होता है, आप लोग के एल्गी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग शैवाल बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी या शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या कहलाएगा, तो बहुत क्वेश्चंस आप लोगों से एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। तो एंथोलॉजी क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का अध्ययन ही आप लोगों का कहलाता है एंथोलॉजी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एफिडोलॉजी क्या होता है। तो एफिडोलॉजी देखिए जो लॉजी वर्ड है ये बहुत बार आ रहा है, लॉजी लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी चीज का अध्ययन करना। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोगों के हर वर्ड के लास्ट में लॉजी लॉजी लिखा आ रहा है, क्योंकि लॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भैया एफिडोलॉजी क्या है, तो एफिडोलॉजी क्या होता है, आप लोगों के एफिड्स की स्टडी यानी एफिड्स का अध्ययन। अब एफिड्स क्या होता है, जो प्लांट्स में ये जो आपके कीड़े लग जाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एफिड्स। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्टडी ऑफ एफिड्स, स्टडी यानी एफिड्स का अध्ययन। एफिड्स क्या है, आपके पौधे में लगने वाले जू हैं, है ना, छोटे से कीट्स होते हैं आपके। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कॉर्किनोलॉजी क्या होता है। तो कॉर्किनोलॉजी आप लोगों का होता है क्रस्टेशियन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन। अब आप लोग बोलेंगे क्रस्टेशियन क्या है, दोस्तों यह है एक प्रकार के जीव होते हैं। जैसे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के बारे में सुना होगा कि ये आपका ऑर्थोप्रोडा फाइलम को बिलोंग करता है ये जीव, समझ रहे हो, ये मोलस्का फैमिली को बिलोंग करता है। देखो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग जानते हो बहुत तरह के जीव होते हैं, तो इन जीव को हम लोग अलग अलग किस में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। अभी इन ग्रुप को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फाइलम नाम दे रहा हूँ, संघ नाम दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने ऑर्थोप्रोडा भी सुना होगा, मोलस्का सुना होगा, सिलेंट्रेटा सुना होगा आप लोगों का, दोस्तों सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं, तो कई चीज आप लोगों ने सुनी होगी। सिमिलरली ये आप लोग का जो क्रस्टेशियन है ये एक प्रकार के जीव है, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, ऑर्थोप्रोडा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर हम लोग बात करें इन्हीं की स्टडी क्या कहलाती है, आप लोगों की कॉर्किनोलॉजी कहलाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्रायोलॉजी क्या होता है। तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स सुने होंगे, आपके थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं। तो ब्रायोलॉजी क्या हो जाएगा आप लोगों का, दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आपका, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। और ये ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, यह एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एक प्रकार के पौधे होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का नीडोलॉजी। दोस्तों नीडोलॉजी क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया एक फाइलम होता है, एक संघ होता है जिसका नाम होता है निडेरिया, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिलेंट्रेटा भी होता है। तो दोस्तों सिलेंट्रेटा की स्टडी ही क्या कहलाती है आप लोगों के, नीडोलॉजी कहलाती है, या फिर आप लोग बोलो निडेरिया की स्टडी ही क्या कहलाती है, नीडोलॉजी कहलाती है। आप लोग कोई क्या मुझे एक एग्जांपल बता सकते हो क्या, कि जो सिलेंट्रेटा है या निडेरिया आप लोग दूसरा नाम इसका बोल सकते हो, इसका कोई एक एग्जांपल बता सकते हो क्या, इसका जल्दी से कोई एक एग्जांपल बता दीजिए कि सर इस फाइलम का ये क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल होगा बताइए। तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों से नीडोलॉजी क्या हो जाएगी, दोस्तों सिलेंट्रेटा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपके नीडोलॉजी कहलाता है। जरा मुझे बताइए इसका कोई एक एग्जांपल बताइए, जेलीफिश बहुत जने बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जेलीफिश जो होती है दोस्तों वो इसी का ही एग्जांपल होता है, जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश आपका सिलेंट्रेटा फाइलम का ही एग्जांपल होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी कोई प्लांट होगा, अगर आप लोग इसको तने को काटोगे तो यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे रिंग्स दिखाई देती है, आप देख पा रहे हो दोस्तों, वलय रिंग्स दिखाई पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या। तो इन रिंग के बेसिस पे आप लोग किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की आप लोग एज बता सकते हो। तो ये आप लोग की जैसे जैसे कोई भी ट्री ग्रो करता है उसकी एज आप लोगों की बढ़ती जाती है, तो ये जो नंबर ऑफ रिंग्स है ना, ये वलय है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो आप लोगों का जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो छल्ले हैं, ये जो रिंग्स है, या फिर आप लोग हिंदी में वलय बोल सकते हो, तो आप लोगों का काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज, मतलब ये जो ट्री की जो रिंग्स है ना, वलय, इनकी स्टडी करना, इनकी काउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, आपका डेंड्रो क्रोनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी आपका सिंपली हो जाएगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से दोस्तों एथोलॉजी क्या कहलाएगा। तो एथोलॉजी आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये ही क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया था।
तो बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल से क्या मतलब है, आप लोगों को पता है दोस्तों कोई भी जीव होता है तो उसके सराउंडिंग की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया कोई है ना कोई बहुत ज़्यादा शैतान सा है, लेकिन अब वो उसको पानी से बड़ा डर लगता है ना, लेकिन मान लो बाहर बारिश हो रही है तो उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा कि वो बिल्कुल ऐसे गुमसुम हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें बिहेवियर का मतलब क्या है, उसके सराउंडिंग की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका दोस्तों बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स ही क्या कहलाएगा आप लोगों का, इथोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इडेफोलॉजी क्या कहलाता है, पेडोलॉजी क्या कहलाता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल यानी मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन ही आप लोगों का क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाएगा। अब आप लोग ये समझेंगे दोस्तों सॉइल की स्टडी का मतलब है, सॉइल मतलब क्या, तो सॉइल में दोस्तों क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट होता है, तो वो पूरी की पूरी स्टडी आप लोग कहला जाएगा एडेफोलॉजी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दोस्तों एथनोबॉटनी क्या हो जाएगा, तो जो भी पहले के मतलब जो प्रिमिटिव स्टेट के जो ह्यूमंस थे या प्रिमिटिव ह्यूमंस थे या आप लोग बोल सकते हो आदिम मनुष्य बोल सकते हो, तो इनका प्लांट के साथ में क्या इंटरेक्शन था, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, एथनोबॉटनी कहलाती है। तो आदिम मनुष्य एवं पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है आप लोगों के, एथनोबॉटनी कहलाता है। चले आगे, चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है रेलवे में, तो फ्लोरिकल्चर आपका हो जाएगा जो फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं, फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनकी स्टडी ही क्या कहलाती है आप लोग की, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर और ध्यान रख लीजिए, पोमोलॉजी, एक होता है आपकी पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या हो जाएगा, वो फूलों का अध्ययन होता है, वो आप लोगों के फूलों का अध्ययन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए फूलों का अध्ययन तो आपका आंसर पोमोलॉजी हो जाएगा, और फूल देने वाले प्लांट्स का उन पौधों की स्टडी क्या कहलाएगी आपके, फ्लोरिकल्चर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर आप लोगों का हो जाएगा जो बाग और बगीचे होते हैं ना, इनके डेवलपमेंट का जो मैनेजमेंट होता है, इनके विकास का प्रबंधन ही क्या कहलाता है आपका, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। समझ गए दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों हर्पिटोलॉजी क्या होता है, कौन मुझे बताएगा हर्पिटोलॉजी क्या होता है, इस इमेज देख के भी आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं, बताइए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है हर्पिटोलॉजी, तो आप लोग देख के पता जा रहे हो यार कुछ यहां पर मेंढक वगैरह कुछ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का हर्पिटोलॉजी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग जानते होंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर जो आप लोगों के लैंड पे और पानी पे दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे आपका मेंढक हो गया, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो आप लोगों के रेंग रेंग के चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स यानी सरीसृप एवं एम्फीबियंस यानी उभयचर का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाता है, हर्पिटोलॉजी कहलाता है। क्लियर सर, पोमोलॉजी क्या कर दिया पोमोलॉजी में, अच्छा अरे दोस्तों ये फल आ जाएगा ना, आई एम सॉरी ये फूलों नहीं आएगा, फल आएगा, फलों का अध्ययन है ना, तो फलों का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है ना, फलों का आएगा दोस्तों, फलों का, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है चलो आगे हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो आपके रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे आपकी छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया, ये आपके होते हैं रेप्टाइल्स, और एम्फीबियंस यानी जो आपके इसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर, जो पृथ्वी पर जो लैंड पर और पानी पे दोनों पे रह सके उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस, तो इन दोनों की ही स्टडी क्या कहलाती है आप लोगों की, हर्पिटोलॉजी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट होता है आपके इक्थियोलॉजी,
तो इक्थियोलॉजी आप लोगों का हो जाएगा स्टडी ऑफ फिशेज, यानी मछलियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है आपके, इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोगों से पूछे मछली पालन क्या कहलाता है, तो मछली पालन में आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें पीसी कल्चर जो होता है वो मछलियों का पालन होता है, लेकिन मछलियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फिशेज क्या हो जाएगा आप लोगों का, इक्थियोलॉजी हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक होता है आपके पैरासिटोलॉजी, तो पैरासिटोलॉजी आप लोगों के क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं यानी आपके जो परजीवी होते हैं इनका अध्ययन आपका क्या कहलाता है, आप लोगों का पैरासिटोलॉजी कहलाता है। तो परजीवियों यानी पैरासाइट्स का अध्ययन, पैरासाइट्स क्या होते हैं जो दूसरे की बॉडी में रहते हैं, जैसे आपका प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है, मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम किसके बॉडी के अंदर रहता है, मादा एनाफिलीज के अंदर रहता है, और जैसे मादा एनाफिलीज आप लोगों को काटती है तो ये आपका जो प्लाज्मोडियम होता है आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे आप लोगों को मलेरिया डिजीज होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोटिस्टोलॉजी क्या कहलाएगा। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स किंगडम सुने होंगे, जगत सुने होंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा सुना है क्या आप लोगों ने, तो जो उसमें प्रोटिस्ट होते हैं उनकी स्टडी ही क्या कहलाती है आप लोगों की, यानी स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट ही क्या कहलाती है, प्रोटिस्टोलॉजी कहलाती है। प्रोटिस्ट क्या होते हैं दोस्तों, जो यूनिसेल्युलर आप लोगों के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें आता है। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जीव, एक कोशिका, मतलब जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं, तो जो एक कोशिका के जीव होते हैं वो आते हैं आप लोग के प्रोटिस्टा में, ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, एक हो जाएगा दोस्तों कॉर्किनोमेलोजी। तो कॉर्किनोमेलोजी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाएगा, कॉर्किनोमेलोजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हृदय का अध्ययन ही आप लोगों का कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो हृदय और उसके कार्य, उसके डिफरेंट फंक्शन की स्टडी ही क्या कहलाएगा आप लोगों का, कार्डियोलॉजी कहलाएगा ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों आप लोगों से क्रायोबायोलॉजी। तो क्रायोबायोलॉजी आप लोगों का क्या होता है, तो आप लोग सभी जानते हो टेम्परेचर के साथ में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग बात करें लो टेम्परेचर पे यानी कम तापमान पर जीवन किस प्रकार का होगा, तो इसका अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ लाइफ एट लो टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रायोबायोलॉजी बोलेंगे। चले आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्किया बायोलॉजी की, यानी जिसको दोस्तों हिंदी में हम लोग पुरातत्व जीव विज्ञान बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को फॉसिल्स मिले तो उसके पार्ट्स की आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कियो बायोलॉजी बोलेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। हाँ भैया ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं कैंसर के स्टडी को, ठीक है, तो वो भी सही है आप लोग का, ऑन्कोलॉजी भी सही है। जैसे आप लोग का स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसको हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं या सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, तो दोनों आप लोगों का सही है ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी का सिंपल मतलब है इज द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बने कैसे हैं, उनके दोस्तों पहले हिस्ट्री क्या रही। तो पूरी की पूरी जो ये स्टडी हो जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, कि ह्यूमन बने कैसे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, पहले उनका कल्चर क्या था, ये सभी की सभी जो चीज होगी वो किस में आएगी, आपके एंथ्रोपोलॉजी में आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से दोस्तों एथ्रोलॉजी। तो ये एथ्रोलॉजी क्या होती है, आपको पता है जो हड्डियाँ होती है आप लोगों की, टोटल हड्डी कितनी होती है, जन्म के समय 300 होती है और एडल्ट में कितनी होती है, 206। तो हर हड्डी आप लोगों के जॉइंट से जुड़ी होती है, जैसे मान लो यहाँ इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स है, तो अगर जॉइंट्स की बात करें तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स ही क्या कहलाता है आप लोगों के, एथ्रोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मतलब समझिए गए बैक्टीरिया, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन ही आप लोगों का क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। सर ओनली इंपॉर्टेंट कराइए,
श्री राम जी बोल रहे हैं सर इम्पोर्टेंट कराइए, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये कम से कम आपके 400 से 500 होती है, मैं तो केवल 26-27 ही बता रहा हूँ आपको, है ना, मैं तो केवल और केवल 26-27 बता रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी आपका जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी यानी दोस्तों जो भी आप लोगों के जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका अगर आप लोग किसी इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों को पता है ब्रेड बनाने में जो ब्रेड होती है ना आप लोग खाते हो, उसमें किसका इस्तेमाल करा जाता है, यीस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, खमीर का इस्तेमाल करा जाता है, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो कोई भी अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी जीवित जीव है, ये कोई प्लांट हो सकता है, तो अगर आप लोग इसका इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी दोस्तों क्या हो जाएगा, कोशिका की संरचना, उसके स्ट्रक्चर, उसके कार्य, उसका किस प्रकार से उसका लाइफ साइकिल है, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी कहलाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल आपका साइटोलॉजी भी कहलाता है ना, मैं इधर भी ले देता हूँ, साइटोलॉजी भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, तो अगर सेल बायोलॉजी नहीं होगा तो साइटोलॉजी लिख देना ना, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी क्या कहलाएगा। तो आपको पता है जो हमारी स्किन होती है इसकी स्टडी ही क्या कहलाएगी, आप लोगों की स्टडी ऑफ स्किन, यही आपका कहलाएगा डर्मेटोलॉजी। इस बार के एसएससी जेई में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे भारी सतह, वो कौन सी होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे वो एपिडर्मिस होती है, हमारी तीन लेयर होती है, एक होती है आपकी एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, एक होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे जो भारी वाली होती है वो आपकी एपिडर्मिस होती है। चले आगे, चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों इकोलॉजी क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे मान लो मैं हूं या आप हो, तो आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। जैसे ये पेन भी आपका एनवायरनमेंट कहलाएगा, प्लांट्स भी, मिट्टी भी, हवा भी, सब के सब आप लोग के क्या हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में, पर्यावरण के साथ में किस प्रकार कनेक्ट कर रहा है, किस प्रकार इनकी रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी क्या कहलाएगा, आपका स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। मतलब मैं सराउंडिंग के साथ में किस प्रकार मेरा रिलेशन है, जैसे मुझे पता है मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं प्लांट से, समझ लो, तो ये जो रिलेशन है आप लोग का, इसकी स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों गायनेकोलॉजी क्या कहलाती है। तो गायनेकोलॉजी आप लोगों को कहलाएगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी स्टडी ही, यानी मादा प्रजनन अंग, जो मादा प्रजनन प्रणाली है, ये मादा प्रजनन तंत्र आप लोग बोल सकते हो, इसकी स्टडी ही क्या कहलाएगी, आप लोग की गायनेकोलॉजी कहलाएगी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी कौन बताएगा, ये इमेज देख के बता दो दोस्तों हेमेटोलॉजी क्या हो जाएगा। तो जो आपका ब्लड होता है, रक्त, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, आप लोगों की हेमेटोलॉजी कहलाती है, क्लियर। तो आपका ब्लड हो गया, और ब्लड में मान लीजिए कुछ भी डिजीज हो रही है आप लोगों की, तो ये सभी की सभी स्टडी क्या कहलाएगी, आपकी हेमेटोलॉजी कहलाएगी। चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका हेपेटोलॉजी क्या कहलाएगा। तो ये जो आपका लीवर है, लीवर आप लोग जानते हो ना दोस्तों, यानी जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, तो इस लीवर की स्टडी ही क्या कहलाएगी, आप लोगों के हेपेटोलॉजी कहलाएगी। दोस्तों एक सेम टर्म आपका पहले भी आया था, वो हर्पेटोलॉजी था, ये आपका हेपेटोलॉजी है, वो आपका हर्पेटोलॉजी था। कोई बता सकता है कि हर्पेटोलॉजी क्या था, देखते हैं किसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने करा है हर्पेटोलॉजी, और ये आपका हेपेटोलॉजी है। तो हेपेटोलॉजी की बात करें तो ये तो आपका स्टडी ऑफ लीवर हो जाएगा, यानी यकृत का अध्ययन, और अगर हम लोग बात करें हर्पेटोलॉजी तो वो आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं, यानी सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंस ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों मैमोलॉजी।
तो वही बात, देखिए लोजी का मतलब होता है स्टडी और आगे मैमल्स लग गया, यानी मैमल्स की स्टडी यानी स्तनधारी का अध्ययन ही क्या कहलाएगा आप लोगों का, मैमोलॉजी कहलाएगा। चले आगे, चलते हैं आगे। एक जना बोल रहा नीरज सर का अध्ययन नीरजोलॉजी, हा 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 हा, बस यही चीज था ना आपको, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से न्यूरोलॉजी, तो ये तो अभी भी आया था। तो दोस्तों जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका, न्यूरोलॉजी, या फिर आप लोग बोल सकते हो दोस्तों स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का अध्ययन ही आप लोगों का क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी कहलाएगा। और आपका पता है न्यूरॉन्स वगैरह कहाँ पर पाए जाते हैं, आप लोगों के नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम किसका, नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है आपका, ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु है ना, ये सभी के सभी आपके नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स बोल लो आप लोग, है ना, या स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम बोल दो, इसकी स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, न्यूरोलॉजी कहलाएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा, जो आप लोगों के टीथ है इसकी स्टडी ही क्या कहलाएगी आप लोगों की, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके स्टडी ऑफ टीथ हो जाएगा, दांतों का अध्ययन हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। चले दोस्तों आगे, शिवम गोयल जी बोल रहे हैं नीरज सर कृपया स्टैटिक जी का भी कल का भी करा दीजिए, पहले दोस्तों साइंस पढ़ लीजिए आप, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करो, तो क्लास के बाद में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी आपके क्या हो जाएगा, इसके तो यहीं पर हिंदी लिखी हुई, पक्षी विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा, पक्षी विज्ञान, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी आप लोग क्या होता है, जो आप लोग लैब वगैरह में जाते हो ना अपना टेस्ट कराने के लिए, तो कोई भी रोग, इसके क्या डिजीज है, कोई भी डिजीज, उसके क्या इफेक्ट है, क्या उसके एजेंट है, उसके कारण, तो ये सभी की सभी जो स्टडी होती है ये क्या कहलाती है आप लोगों की, पैथोलॉजी कहलाती है, ध्यान आप लोग रखे। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आप लोगों का जूलॉजी। तो आई थिंक ये लास्ट है मेरे हिसाब से। तो जूलॉजी आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का अध्ययन, कुछ थोड़ा सा और बचा है ना। तो बहुत जने बोल रहे हैं सर आप लोग केवल सेलेक्टेड बताओ, तो सेलेक्टेड ही बताया, अगर आप लोग ऐसे करने जाओगे कम से कम 500-700 है, ठीक है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर। दोस्तों सेरीकल्चर क्या होता है, ये अभी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था रेलवे में। तो दोस्तों रेशम के कीड़ों का पालन है ना, आप लोग रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हो, यही आपका क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं सभी आप लोगों को एक जगह बताता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है ध्यान आप लोग रखेंगे, जो जो आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए तो एक तो आपका विटीकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा, दोस्तों कलर सही है क्या, अच्छा इसको दूसरा कलर कर देता, रुकिए चलिए। तो अगर हम लोग पहले बात करते हैं दोस्तों विटीकल्चर, तो विटीकल्चर अभी आप लोगों से पूछा गया था एनटीपीसी में, अभी शायद 4-5 दिन वाले पहले वाले जो शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था, आई थिंक 10-11 के आसपास की बात है, उसमें पूछा गया था विटीकल्चर। तो अंगूर की जो खेती होती है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर की खेती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों पीसी कल्चर, ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी कल्चर का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, ये आपका क्या होता है आप लोगों का, पीसी कल्चर होता है। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों एपिकल्चर, एपिकल्चर, तो एपिकल्चर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी पालन, आपका फ्लोरिकल्चर मैंने बता ही दिया फूल विज्ञान, ये तो हो ही चुका। पोमोलॉजी मैंने आपको बता दिया स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी फल विज्ञान, है ना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी फल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्मी कल्चर, ध्यान रखेंगे जो कैचुआ पालन होता है वो कहलाता है आप लोगों का वर्मी कल्चर। और एक होता है आप लोगों का सेरीकल्चर, यानी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है आपका, सेरीकल्चर होता है।
ब्लैक कलर कर दीजिए सर, ठीक है, वो आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो ब्लैक में मिल जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी, आप लोगों को पता है इससे बहुत क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं मैं आप लोगों के लिए एक जगह लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ज़रा बताइए क्लास कैसे लगी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। तो इसकी जो पीडीएफ होगी आप लोग क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, और आपको मैं बता दूं कल भी हम लोग कुछ ऐसी ही क्लास करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को इन्वेंशन बताऊंगा, आविष्कार बताऊंगा, ठीक है, कि इन्वेंशन, जैसे अभी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने करा, जिसका आंसर था फेरेनहाइट। वैसे तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग 1 पीएम वाली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो दोस्तों ये वाली क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करा करें किसी भी कंडीशन में। चलिए, तो इस क्लास के बारे में मैं आपको बताता हूँ, डेली 1 पीएम पे होती है, अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री क्लास होती है। यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है कि क्या आप लोगों की रैंक आ रही है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगिड, मुझे आप लोग क्या कर ले, फॉलो कर ले, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को क्लासेज मिल जाएगी, और गोल अपना सेलेक्ट कर ले एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो पहले आप लोगों से कोड पूछा जाएगा, कोड डाल दीजिए नीरज 11, नीरज 11 डाल के आप लोग अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, समझ गए। और दोस्तों आप लोगों के 11 जनवरी से टॉप टीचर्स के सभी टॉप बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग इनको अटेंड करना ना भूले। ये आप लोगों के मैं एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात बता दूं, यहाँ पर 300 से ज़्यादा क्लास होती है प्रतिदिन, तो आपको जो टीचर्स पसंद आते हैं उनकी क्लास आप लोग देख सकते हो, सारे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेंगे। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट अवेलेबल है। कोई सोचे कि यार ये कोर्स है ना लेट चल रहा है, तो आपका पहले से अवेलेबल है सारे कोर्स भी वहाँ पर, है ना, तो सभी बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, सीजीएल हो चुका है, सीएचएसएल हो चुका है, और आपका सीटी हो चुका है। तो यहां पर आपको दोस्तों जितने भी कोर्सेज है आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, किसी के लिए भी अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें, ये आपके पास में ऑप्शन है 24 महीने का 7200 रुपए का, रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, तो ये आपको पड़ जाएगा 6480 रुपए का, ठीक है। चलिए, और जो एसएससी बैंक रेलवे का तीनों को एक साथ चाहिए, तो एक साल का दोस्तों 14,450 रुपये का है। आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो कोड आप लोग लगा दीजिए नीरज 11, कोड आप लोग लगा दीजिए नीरज 11, ये आपका कितने का पड़ जाएगा, 13,005 रुपये का ये पड़ जाएगा। 3 साल का 20,230 है, रेफरल कोड नीरज 11 लगाने के बाद में 18,207 का पड़ जाएगा ये, ठीक है। और बताइए, हाँ कल 1 PM वाली क्लास नहीं थी, कल बोल के गया था ना मैं आपको, कल मैंने क्लास में बोला था, हाँ आज होगा 1 बजे वाला, ओके। सर 4 बजे वाली क्लास अभी हमने बंद कर दी है दोस्तों, अभी केवल 2 क्लास चल रही है, एक तो सुबह 9:30 बजे और एक दोपहर 1 बजे। सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दीजिए दोस्तों, मैंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आपको करवा दिया, प्लांट किंगडम भी एनिमल किंगडम भी, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर, और उसे स्पेशल क्लास की मैं लिंक भी क्या डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।